देखो मैं प्यार इंतज़ार था वो आ चुका है टाइम कॉइन पर। अब हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे टोकन है हम वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, P2P कर सकते हैं, विड्रावल कर सकते हैं, ये एक ही बात है ठीक है। तो प्यार भी कैसे ये सारा कुछ करना है, यहाँ पर इनकी ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है यहाँ पर टाइम कॉइन ट्रांसफ़र ठीक है। मतलब कि हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं दूसरी आईडी पर दूसरे यूज़र को। तो कैसे करना होगा सारा कुछ बताऊँगा। और प्यार भी ये सेल भी हो रहा है, अगर आप सेल करना चाहें तो कितनी प्राइस में कर सकते हैं, और इसकी लिस्टिंग के दौरान कितनी प्राइस हो सकती है, और ये लिस्ट कब तक हो सकता है, विड्रावल कब तक दे सकता है, ये सारा कुछ आज की वीडियो मैं बताऊंगा। तो प्यार भी वीडियोस को मिस मत करना। और ये न्यू यूजर के लिए वीडियो नहीं है, ओल्ड यूजर के लिए जिन्होंने अकाउंट बनाया हुआ है टाइम कॉइन पर। तो प्यार भी मैं प्लेटफॉर्म को ओपन करके आपको बताता हूं। तो प्यार भी टाइम कॉइन का अब इस तरह का इंटरफेस आ चुका है ठीक है। अब सारा कुछ इंटरफेस इनका चेंज हो चुका है। अब यहां पर ये देख सकते हैं हमारे लिए ये ऑप्शन है ये ट्रांसफर का ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहीं पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे मैं यहां पर ट्रांसफर पर क्लिक करता हूं, थोड़ा सा आपने वेट करना है, और यहाँ पर ये देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। अच्छा, आपकी जो TID होती है वो आपने देख लेनी होती है, वो फिर आपने मतलब कि बाई सेलिंग जैसे आप करेंगे तो फिर आपने सेंड करनी होगी या कोई और आपको सेंड करेगा, तो ये वाली आपकी होती है ठीक है। अभी मेरे पास मेरे दूसरे अकाउंट की TID है पड़ी, वो यहाँ पर मैं लगाऊंगा, और उसके बाद अमाउंट यहाँ पर लिखूंगा, और यहाँ पर कुछ फीस होती है 2%, वो भी यहाँ पर लगती है। तो यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ ठीक है, यहाँ पर मैं पेस्ट कर लेता हूँ। अभी पहले भी मैंने यहाँ पर कुछ टोकन सेंड किए हैं, यहाँ पर ये देख सकते हैं यहाँ पर कंफर्म लिखा हुआ आ चुका है, 10 टोकन मैंने पहले ट्राई किए हैं ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 10 टोकन और यहाँ पर लिख लेता हूँ, यहाँ पर अमाउंट यहाँ पर लिखी हुई है, तो यहाँ पर 10 टोकन यहाँ पर लिख लेता हूँ, 10 टोकन लिख लिए। उसके बाद यहाँ पर ये देख सकते हैं मतलब कि यहाँ पर 0.2 यहाँ पर फीस लग रही है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ट्रांसफ़र पर क्लिक कर दूँगा ठीक है। तो ट्रांसफ़र पर मैं क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर ये देख सकते हैं आर यू सेंडिंग 10 टाइम कॉइन्स ठीक है। यहाँ पर अब क्या करूँगा, यहाँ पर ओके पर मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे यहाँ पर ओके पर क्लिक करता हूँ, तो अभी यहाँ पर देख लेना है, जहाँ पर नीचे ये ऑप्शन लिखा हुआ है 10 मुझे मिले हुए हैं कन्फर्म है, तो ये कन्फर्म ट्रांसफर जैसे हो जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, अभी थोड़ा सा हमने यहाँ पर वेट करना है। यहाँ पर ये देख सकते हैं ये यहाँ पर आ चुका है ठीक है, और यहाँ पर कन्फर्म भी लिखा हुआ आ चुका है ठीक है। अब दूसरी आईडी को मैं ओपन करता हूँ जो मैंने यहाँ पर दी है, तो वहाँ पर आपको दिखाता हूँ, वहाँ पर भी ये शो होंगे ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो प्यारे भी मैंने दूसरी आईडी को यहाँ पर ओपन कर लिया, यहाँ पर ट्रांसफ़र का ऑप्शन है, तो यहीं पर मैं क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पर दिखा दूंगा सारा कुछ यहाँ पर मेरा आ चुका होगा ठीक है। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा पहले वेट कर लेना है ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा पहले शो नहीं हो रहा था, तो अब हो चुका है ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये देख सकते हैं रिसीव वाला ऑप्शन है, यहीं पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर ये देख सकते हैं 2 दफ़ा मैंने यहाँ पर सेंड किए हैं टोकन, और यहाँ पर अभी वेटिंग में है, मतलब कि वहाँ से कम्प्लीट हो चुके हैं, यहाँ पर रिसीव में दिखा भी रहा है, लेकिन अभी तक मतलब कि मेरे पास पहुँचे नहीं है ठीक है, मेरे बैलेंस में एड नहीं हुए। तो इस तरह मतलब कि आप इसको सेंड कर सकते हैं। अब आपको बताता हूँ कि इसकी प्राइस लिस्टिंग के दौरान कितनी निकल सकती है, और P2P के दौरान आप कितने में सेल कर सकते हैं। देखें अभी मार्केट में मैं आपको यह बता दूं कि इसका इतना रेट कम है ठीक है, $1 का ऐसे समझे कि 500 टोकन सेल हो रहा है $1 का। तो इसीलिए अभी तो फिलहाल के लिए सेल भी मत करना, जब इनको सेल करना होगा मैं आपको बता दूंगा, आप मुझे ही सेंड कर देना ठीक है। बाकी प्यारे भी लिस्टिंग की आपको बता दूं, तो इसकी जो लिस्टिंग की प्राइस होगी ना $0.1 ईजिली होगी, क्योंकि इसकी 500 मिलियन टोटल सप्लाई है ठीक है, समझ रहे हो। और इसकी लिस्टिंग हो सकता है कि 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, या 1 मंथ के बाद इसकी लिस्टिंग हो जाए। तो प्यारे भी बस यही है कि आपने वेट कर लेना है, सब्र कर लेना है कुछ दिन के लिए। बाकी इसकी प्राइस अगर ज़्यादा, जैसे P2P ट्रांसफ़र हो रहा है, अगर ज़्यादा निकलती है तो मैं आपको बता दूंगा, आप मुझे भी सेंड कर सकते हैं। तो प्यारे भी बाकी यही तरीका था, आप ऐसे एक दूसरे को सेंड कर सकते हैं।